A South Asian Canadian channel. आज जेकर प्रोग्राम ग्राउंड जीरो रिपोर्ट की शुरुआत करिए शुरुआत करांगे संयुक्त किसान मोर्चे तो। संयुक्त किसान मोर्चे वालों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिस दे विच किसान आगुआ वालों वड्डा फैसला लिया गया कि पंजाब विधानसभा चोणां जिहड़ियां किसान जथेबंदियां ने लड़न का फैसला किया वह हुण किसान मोर्चे का हिस्सा नहीं होणगियां। उन्हां नूं असीं इस संयुक्त किसान मोर्चे विचों फिलहाल लई कढ रहे हां ते 4 महीनों बाद एक बार फिर तो इसकी समीक्षा करांगे कि इन्हां किसान जथेबंदियां जो पंजाब चोणां लड़न जा रही ने उन्हां दे नाल अगलेरे जिहड़े साडे रिश्ते ने वह किस तरह के होणगे। तुहानूं की लगता है कि संयुक्त किसान मोर्चे वालों जिहड़ा ये फैसला लिया गया वह कितना कु सही है क्योंकि इस पा एक पासे जेकर देखिए तो कांग्रेसी आगू जिहड़े रवनीत बिट्टू है उन्हां वालों ट्वीट करके संयुक्त किसान मोर्चे के इस फैसले का स्वागत किया गया। जी बिल्कुल, देखो इस फैसले के जिहड़े हैगे आ उह संयुक्त किसान मोर्चा भी अपनी सोच हैगी आ, पर मैं ये जरूर कहूंगा कि ये फैसले के दो पहलू हैगे आ। संयुक्त किसान मोर्चा एज अ पोलिटिकल बिना पोलिटिकल दे गैर राजनीतिक दल गैर राजनीतिक मोर्चे के रूप से जिहड़ा उभरिया ते उह भारत का मोर्चा नंबर एक नंबर दो उसके नाल काफ़ी कारगर साबित होया। उसकी ताकत ही यही कि उन्होंने पोलिटिकल इंटरफेरेंस जी अलाउ नहीं की। हर पोलीटिशियन उत्थे जाके कोशिश की चाहे वह पंजाब के सियासतदान हो या हरियाणा के हो, हालांकि इंडियन नैशनल लोक दल के ओम प्रकाश चौटाला के हाथ जिहड़ा माइक उन्होंने खो भी लिया सी एक इदां दे प्रोग्राम के अंदर जब उन्होंने भाषण देने की कोशिश की। उन्हें कहा कि किसान मोर्चा ने कि तुसी आओ शिरकत पर तुहानू इहनू असी एक सियासी मंच के रूप से असी इहनू इस मंच में यूज करने नहीं देंगे। ये संयुक्त किसान मोर्चा की ताकत सी, बाद च जिहड़ा इन्ना वड्डा प्रयास बन गया कि सरकार नूं भी जिहड़े आ अपने फैसले नूं वापस लेना पिया, सारे इदों जाणदे आ। हुण अगला सवाल यह उठता है कि संयुक्त किसान मोर्चा के जिहड़े आगू सीगे उन्हां दा हुण राजनीति के अंदर उतरन दे नाल इस मोर्चे का या किसानां दा जिहड़ा रुतबा हैगा वह वधेगा या घटेगा, यह बड़ा डिफरेंट जिहा क्वेश्चन हैगा। जीते राजेवाल साहब या होर जिहड़े लीडर हैगे आ जिन्होंने जिहड़ा संयुक्त समाज मोर्चा जिहड़ा SSM बनाया पंजाब च, जे उन्हां दी जित हो जाती है फिर तो ठीक है, पोलीटिकल अस्तित्व उन्हां दा बनता है वह अपने हिसाब के नाल जिहड़ा है क्योंकि एक पूरी जिंदगियां लाती उन्होंने किसानों के रिफॉर्म्स को लैके अजे तक पंजाब के अंदर कोई पंजाब के पूरे भारत अंदर कोई एग्रीकल्चर रिफॉर्म वाली कोई गल नहीं हैगी है। असं जश्न का बहुत मनाते हैं जिस दिन बिल वापिस हुए सी पूरा, खास करके पंजाब के अंदर एक होर माहौल बन गया सी कि पता नहीं असी किहड़ा किला फतेह कर लिया, पर असी एक वापिस स्टेटस को दे अंदर आए हैं जिहड़ा स्टेटस पहले सीगा पंजाब के अंदर। इन्हां तिना बिलों तो पहले जिहड़े सीगे पहले भी इशू सीगे, सुसाइड्स जिहड़े सी पंजाब के अंदर कॉमन हैगे आ, वो तद भी होंगे सी बिल के बाद जिहड़े है एक साल की जिहड़ी लड़ाई सीगी उहदे बाद सिर्फ स्टेटस जिहड़ा हैगा वापिस सानू वो मिले कि उदां दा माहौल उदां दा ही जिहड़ा टाइम सीगा वो वापिस हैगा। हुण सवाल होर भी उठते हैं कि राजेवाल पोलीटिकल पोलीटिक्स के एंट्री के नाल किसानों के इशू सॉल्व होंगे या नहीं होंगे वो बहुत बड़ी जिहड़ी है जिहड़ा इशू बनेगा डेफिनेटली, खास करके जे सियासी भी लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर शिरकत नहीं हुई या वो किसी सरकार का हिस्सा नहीं बने फिर उन्होंने कोई अक्स नहीं रह जाएगा, वो जिहड़ा अक्स हैगा वो वापिस दे विल बी रिड्यूस्ड। वो ना तो वो संयुक्त किसान मोर्चा वाले हमेशा उन्होंने तंज कसणगे कि तुसी जिहड़ी है सानू छड़ के राजनीति से उतरे सी पर उत्थे भी तुहानू लोकां ने जो वोटां नहीं दित्तियां ते उत्थे भी तुसी कारगर साबित नहीं होए, डिबेटेबल हैगा। पर मैं यह जरूर कहूंगा कि इहनू असीं क्रिटिसाइज नहीं करते पे कि जिहड़े किसान हैगे है वह कोशिश करते पे है राजनीति अंदर एंट्री लैण दी, उन्हां कोल कोई विकल्प भी की हैगा जिन्हां नूं अज तक उन्होंने वोटां पाईआं उन्होंने तो उन्होंने लई कोई रिफॉर्म्स लैके आए नहीं ते हुण आप हुण कोशिश करते पे है राजनीति दे अंदर जाके अपने कानून आप बनाउण दी, उहनूं एक प्रोग्रेसिव पोलिटिक्स ही वेख्या जाए, उहनूं एक प्योर क्रिटिसिजम दे लैंस दे नाल ना देखा जाए कि उहनां कोल कोई होर कोई ऑल्टरनेटिव सीगा नहीं तां करके इह करना पिआ। तो वेखते हैं थोड़े क्योंकि हुण 14 फरवरी नूं इलैक्शन हैगी है पंजाब दे अंदर, 10 मार्च नूं पिक्चर क्लीयर हो जाणी है कि ये जिहड़ा कदम सीगा किसानां वल्लों ये ठीक गवारा गुजरिया सी उहनां वास्ते या जनता वास्ते, ये 10 मार्च नूं इहदी पिक्चर जिहड़ी हैगी है क्लीयर होएगी। पर असीं ये जरूर कहिंदे हैं कि दिस इज़ अ स्टैप इन द राइट, क्योंकि किसानां कोल होर कोई विकल्प नहीं सीगा तां उहनां नूं राजनीति 'च आउणा ही पिया। जी जी, इस दे नाल ही जेकर गल कर दिए कांग्रेस की तो कांग्रेस के बगावती सुर नज़र आ रहे ने सीएम चन्नी दे भरा
डॉक्टर मनोहर सिंह वालों आजाद चोन लड़न का ऐलान किया गया बसी पठाना हल्के तो, जिथों की कांग्रेस वालों उम्मीदवार गुरप्रीत सिंह जीपी नूं ऐलानिया गया ते इस दे विरोध दे विच डॉक्टर मनोहर सिंह हुण आजाद चोन लड़न का अधिकारित ऐलान अज कर चुके ने ते उन्हां वालों ये भी कहा जा रहा है कि वह बसी पठाना हल्के दे विच जेकर किसी होर वालों उन्हां दी खिलाफत की जाती है तो उसका विरोध भी करनगे। कहा जा रहा है कि कांग्रेस वालों वन फैमिली वन टिकट के फॉर्मूले ते चलदिआं जिहड़े सीएम चन्नी दे भरा ने उन्हां नूं टिकट नहीं दित्ती गई ते नवजोत सिंह सिद्धू दे उत्ते भी डॉक्टर मनोहर सिंह वालों इल्जाम लगाए गए ने कि नवजोत सिंह सिद्धू ने उन्हां दी टिकट कट्टी है, तुसीं इस बारे की सोचते हो? कांग्रेस ने हाईकमान ने पहले ही क्लीयर कर दी थी वन फैमिली वन टिकट। काफी होर भी सियासतदान है पंजाब के अंदर जिन्होंने की टिकट जल्दी कट्टी गई है, जिन्होंने फैमिली मैंबर कोई ना कोई चाहता कि मेरे आगे बेटे ने या बेटी जरा या किसी पांजी अपने भतीजे टिकट मिल जाए। वो काफी जरा किसान ने कांग्रेस जरा हाईकमान इस मुद्दे के उत्ते स्ट्रिक्ट रही है फिलहाल जी जिन्हें टिकटों का वितरण होया। पर हाँ ये खबर जरूर बनती है क्योंकि चन्नी साहब के सगे भरा है तो वो काफी अपने आप ये भी उन्होंने कहा कि मैं इंडिपेंडेंट चोन भी लड़ सकता तो ये जी फैमिली के अंदर सीएम की भरा हुई तो उन्होंने टिकट ना मिले खबर तो बनती बनती है। पर जे असी पार्टी की पॉलिसी वजो देखिए तो कोई बड़ी गल नहीं हैगी है क्योंकि टिकटा जी होर काफी सियासतदानों की भी कटी गई हैं। जी बिल्कुल, इस दे नाल ही असी वेख्या कि कांग्रेस ने जो तो अपनी पहली लिस्ट का ऐलान किया उस तो बाद काफ़ी जिहड़ियां बगावतां ने वो सामने आ रही ने। बीते दिन मोगा तो हरजोत कमल ने भी टिकट ना दिते जाण दे विरोध दे विच बीजेपी च कहने शमूलियत कर ली है ते इस तो बाद जिहड़े मोगा तो उम्मीदवार ऐलाने गए ने कांग्रेस वालों एक्टर सोनू सूद दे सिस्टर मालविका सूद उन्होंने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की है ते प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच उन्हां वल्लों हरजोत कमल दे बारे टिप्पणी करदिआं इह कहा गया कि हरजोत कमल नूं पार्टी ने बनाउण दी बहुत कोशिश कीती सी पर फिर भी जेकर उह बीजेपी च शामिल हो जांदे ने तां इह उन्हां दी निजी चॉइस हो सकती है। पर इस दे नाल ही मालविका सूद वल्लों मोगा दे विच कांग्रेस दे लई डट के कम करन दा ते कांग्रेस नूं मजबूत करन दा भी जिहड़ी गल कही गई है। कमल जी आ काफी टाइम तों काफी कोशिशां कीती गईआं कि हरजोत कमल जिहड़े हैगे आ उह कांग्रेस नूं छड्ड के नहीं जा क्योंकि तगड़ा बेस मोगा च उन्होंने बना लिया सी कांग्रेस का तो उन्होंने सपोर्ट भी दी पई है। हालांकि तेवर जिहड़े हैगे हुण तां उह बीजेपी नूं ज्वाइन कर गए हैगे पर चंगा हुंदा जे उह कांग्रेस दे नाल रहिंदे क्योंकि मालविका सूद जिहड़े हैगे आ एकदम उन्हों असीं इह नहीं कह सकदे पैरा ट्रुप होए आ। उन्होंने भी काफ़ी टाइम तो खास करके सोनू सूद एक काफ़ी नैशनल इंटरनेशनल परसनैलिटी हैगी है तो इदा के कैंडीडेट्स की लड़ हों लोगों सिर्फ मोगा हल्के अंदर ही नहीं क्योंकि इन्हों का जोड़ा बहर भी काफ़ी इन्फ्लुएंस होंगे ता करके जे कांग्रेस थोड़ा जहा हरजोत कमल न मना लें या किसी होर सीट ऑफर कर दें पर मेरे ख्याल हरजोत कमल आप ही इंट्रस्टिड नहीं सके कि वह किसी होर सीट तो लड़न तो ऑप्शन उन्होंने को भी घट नहीं गया तो कांग्रेस को भी घट ही सगिया। जी जी, इस दे नाल ही जेकर गल करिए अगले मुद्दे की पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू वालों तेलंगाना ते महाराष्ट्र तो बाद टैसला के सीईओ एलन मस्क नूं पंजाब दे विच इंडस्ट्री लगाउण दा जिहड़ा इनविटेशन दिता गया है तुहानूं की लगता है कि नवजोत सिंह सिद्धू वालों जिहड़ी इह पहल एक की गई है एलन मस्क दे ट्वीट का रिप्लाई करते हुए किन्ना कु मतलब इसका असर वेखण नूं मिलेगा जां फिर एलन मस्क ने जिहड़े उह नवजोत सिंह सिद्धू दे इस इनविटेशन नूं स्वीकार करनगे तां हमेशा जिहड़ा ओह इक एक्शन जिहा करदे आ जद भी उन्होंने मंच ते आना हुंदा ते मैनूं ओही एक्शन नज़र आ रिहा उन्हां दी इस गल ते किसी होर सियासतदान किसी होर एंटरप्रेन्योर नूं लोकल एंटरप्रेन्योर नूं कह दिंदे कि तूं इधर आके जिहड़ा इंडस्ट्री ला दे पर एलन मस्क नूं ट्वीट दे राही दिस इज़ अ वेरी बिग जोक। इदां ही साडे फॉर्मर डिप्टी सीएम सुखबीर बादल जी कहिंदे हुंदे सी कि असी लुधियाना नूं कैलीफोर्निया बना देंगे तो ना तो रोड ठीक होए ना उन्होंने टोए ठीक होए बरसात थोड़ा मीह थोड़ा जिहा पै जाए तो किवें दा कैलीफोर्निया बनता है लुधियाना सारे नूं पता हैगा। नवजोत सिंह सिद्धू भी कदे कदे तगड़े बुलारे हैगे आ पर अपनी भावना नूं कंट्रोल नहीं रख पाते तो सीधा एलन मस्क नूं जदों ऑफर करदे पे है एक मजाक जिहा ही लगता है तुसीं लोकल इंडस्ट्री संभाल नहीं सकते उन्हां नूं तुसीं ब्यूरोक्रेसी ब्यूरोक्रेटिक हडल जी है तुसी किन जिन्ना मर्जी कह लो सिंगल विंडो सिस्टम मैन फलाना ढमकाना प्रोग्रेसिव मीट्स के नाल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर नहीं होंदा
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ, ਐਟੀਟਿਊਡ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ, ਈਵਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ। ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵਿਕਟਿਮ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਲਾਤੇ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਲਾ, ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਇੰਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਵਧਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਵੇ ਵੀ ਨਾ, ਟੈਕਸ ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਖੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮਰਸਡੀਜ਼, ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਬੀਐਂਡਬਲਿਊ ਵੀ ਬਾਹਰ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ? ਡਿਫਾਲਟਰ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰੱਜ ਕੇ ਸੀਗੇ ਆਪ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ MD ਲੈਵਲ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਬੈਂਕਰਸ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲੇ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਾਰੀ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਚ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਬਾਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ BMW ਜਾਂ ਮਰਸਡੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਲੋਨ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੋਨ ਦੀ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ BMW ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ, ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਿਕੁਇਡੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੈਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਕੂਟਰ ਤੋਂ ਲੈਵਲ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਤੇ ਸੂਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਸਫਾਰੀ ਸੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੋ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਊ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਇਹ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਐਵਰੀਬਡੀ ਹੈਵ ਦੇਅਰ ਓਨ ਇੰਟਰਸਟ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਲਿਮਿਟ 50 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 25-25-30-30 ਕਰੋੜ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਲੋਜੀਕਲ ਸਿੱਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟਵੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਅ ਜੋਕ ਓਨਲੀ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਜੀ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਵਿਨੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਿਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੋਨਿਕਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਨਵੀਆਂ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। A South Asian Canadian channel.